प्रातः क्लास चल रहा था, गुरुवार 13 फरवरी 1964। चौथे पेज की तीसरी लाइन में बात चल रही थी, पवित्र रहना ये पत्नी के ऊपर है, पति को समझावे या एकदम जवाब दे देवे। परंतु जवाब तब देवे जबकि उनमें मोह न हो, नष्टो मोहा हो जावे। देखो बाप भी कहते रहते हैं नष्टो मोहा बनना है, चाहे तो एक सेकंड में बन सकते हैं। और चाहे तो हयाती तक भी न बन सके। समझा? अभी देखो छोड़ते हैं तो भी नष्टो मोहा नहीं होते हैं। फिर भी देखो मोह के वश में होकर के कुछ न कुछ वो याद पड़ता रहता है। कोई तो और भी चिल्लाते रहते हैं, वो अवस्था नहीं रह सकती है। अब इसमें बाप क्या कर सकते हैं? वो तो कहते हैं दिल से नष्ट मुआ हो जाओ, एक के सिवाय जो तुमको इतना स्वर्ग का वर्षा देते हैं, सुख देते हैं, और सारी बातें भूल जाओ। ये कर्म ही कर्म कूटते रहेंगे या पूछते रहेंगे, उनसे तो बाप क्या कहेंगे? ये इतने सारे बच्चे हैं, एक एक का बैठ करके क्या बतावेंगे? सबके लिए बात एक ही है, रास्ता एक ही है, पवित्र रहना है। कन्याओं को भी पवित्र रहना है। अगर कोई पवित्र नहीं रहने देते तो फिर आकर के कोई न कोई सर्विस में लग जावे। कन्याएं भी तो सर्विस कर सकती है ना, एस्लम भी ले सकती है। परंतु सच्ची दिल होनी चाहिए। फिर ऐसा न हो कि यहाँ आकर के ब्राह्मण कुरूषण में और भी वहां आंखें मिलाती रहें, या आंखें लड़ाती रहें, या कोई फैमिलिटी में चली जावे। देखो बाबा के पास बहुत बच्चे हैं, जो अभी तक इनको फैमिलियरिटी का हल्का नशा कहा जाता है, भले विकार का नहीं है तो भी फैमिलियरिटी के हल्के नशे बहुतों का खाना खराब कर देते हैं। मैं तो इसे मम्मी के रूप में देखती हूँ, ये तो मेरी बड़ी दीदी है। ऐसे ऐसे फैमिलियरिटी में चलते रहते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता है। परंतु फिर ऐसों की अवस्था चढ़ती नहीं है। वो सर्विस के इतने लायक नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि बुद्धि
एकाग्र नहीं रहती है, बार बार बुद्धि का लगाव उसी तरफ जाता है। भले कोई नामी भी है, अच्छी अच्छी है, परंतु वो जो अंदरूनी रोग लगा हुआ है, इस रोग को अंदरूनी कीड़ा कहा जाता है। कौन सा रोग? लगाव झुकाव का रोग। एक बाहर का कीड़ा होता है, एक अंदर का कीड़ा होता है। फैमिलियरिटी में मेल भी बहुत आते हैं और फीमेल्स में भी बहुत होते हैं। भले घर बार छोड़ा हुआ है तो भी फैमिलियरिटी में रहती है। ये माया है ना, छोड़ती ही नहीं है। यहां भी रहते हैं, अलग भी रहते हैं तो भी नहीं छोड़ती। देखो सभी लिखते रहते हैं ना बाबा, तूफान बहुत लगते हैं, तूफान लगते हैं तो जरूर कहां ना कहां तूफान का हल्का नशा आ जाता होगा। इसमें तो अडोल रहने की बात है, बिल्कुल बाबा के लाडले होकर के कमल के फूल समान रहना है और दूसरों को भी आप समान बनाना है। वो अवस्था चाहिए, इसमें मुरझाने की तो कोई बात नहीं रहती है। जिनको इतना बड़ा बेहद का बाप मिला और वो इतने प्यार से डायरेक्शन देते हैं, कितने डायरेक्शन दे करके चलाते रहते हैं, ऐसे तो हर एक की अपनी अपनी दवा होती है, तो किसको भी कोई भी दवा पूछनी है, राय पूछनी है, भले कमाई करने के लिए भी कोई को राय पूछनी है, कभी कभी पूछते हैं ना कमाई के लिए भी, भाई हमारे कमाई में भी पाप करना पड़ता है, सो भी तो पूछते हैं ना, किस प्रकार के पाप होते हैं, पूछते हैं तुमको कितनी पूजी है, तुमको पाप करने की जरूरत भी है या नहीं है, सो भी तो समझाना पड़ता है ना। ऐसे तो नहीं है कि सबको पाप ही करने बगैर शरीर निर्वाह नहीं हो सकता है। बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसे हैं, तो पाप करने की क्या जरूरत है। हाँ ऐसे बहुत होते हैं जिनका शरीर निर्वाह भी नहीं चल सकता है। अगर लौकिक कमाई में थोड़ा पाप न करें, समझा ना, अभी तो समय ही ऐसा होता जाता है। कोई कोई ऐसे होते हैं उनके पास पैसे बहुत हैं, तो उनको तो कोई भी पाप करने की दरकार नहीं रहती है, क्योंकि आजकल धंधे व्यवहार में ठगी ठगी लग गई है, करप्शन, मिलावट, झूठ,
झूठे कागजों को बनाना, फलाने फलानी बातें यहां बहुत होती है। तेरे दो 64 की वाणी का पांचवा पेज। तो हरेक को बैठ करके अपने लिए पहले से दवा पूछनी चाहिए कि मेरे को लौकिक व्यवहार में ये काम करना पड़ता है, तो बाबा राय देंगे। बच्चे तुम्हारे पास धन बहुत है, तो क्यों ऐसा करते हो? ऐसा करने से तुम्हारे संस्कार पक्के हो जाएंगे। आखिर तुमको दरकार क्या पड़ी है? तो एक एक के लिए दवा अलग अलग है और हर एक अपने अपने कर्म बंधन में बीमार है। ऐसी नहीं है कि कुछ कर्म करके पीछे कहना कि बाबा ये काम में मैं फंस गया। अरे क्यों फंसा? ये तो तुमको बाप से पहले ही पूछना था। तो बाबा अभी तुमको राय देवे कि तुमको क्या लोड पड़ी है। देखो बहुतों का धन बहुत बहुत है, तो बच्चे अभी तुमको क्या धन की जास्ती परवाह पड़ी हुई है? तुम्हारे पास इतना धन है जो तुम अपने बच्चों को भी बैठ करके खिलाबो तो भी बहुत काफी है, क्योंकि बाप जानते हैं, बच्चे जानते हैं कि बाकी यहां कहां तक रहना है। इस दुनिया में तो जास्ती रहना ही नहीं है, तो फिर आमदनी के लिए अगर काफी धन है तो बस पीछे शांत करके अपने बाप से बरसा लेना, क्योंकि फिर धंधे दोरी में बुद्धि तो जास्ती है ना, जाती है ना। अगर धंधे दोरी में न जाए तो बात मत पूछो। देखो बच्चे गोरख धंधे से आकर यहाँ रहते हैं, तो यहाँ आकर के उनकी बहुत ही अच्छी कमाई हो जाती है, अवस्था अच्छी बन जाती है। फिर गोरख धंधे में जाओ तो जरूर कुछ न कुछ विकर्म होते रहते हैं। वो विकर्म फिर मनसा में आते हैं और मनसा में आते आते कर्मणामीय में भी आने लग पड़ते हैं, बहुत आते हैं। तो हर एक के लिए अपनी अपनी दवा अलग अलग है, तो हर एक को पूछ लेना चाहिए बाबा इस हालत में हमको क्या करना चाहिए, क्या करना है। बाबा पूछते रहते हैं ना, कदम कदम पर पूछते रहते हैं इस हालत में क्या करना चाहिए। सबके लिए तो एक जैसी दवाई नहीं होती है, श्रीमत पर चलना बहुत जरूरी है। उसमें भी बाप कहते हैं कि सदैव मीठे रहो, कोई से भी लड़ना झगड़ना बिल्कुल ना होने पावे, नहीं तो देखो आपस में लड़ते झगड़ते भी तो बहुत रहते हैं ना। कितनी एक दूसरे को तकलीफ देते हैं। घर में तो झगड़ा करते थे, फिर अगर यहां भी आकर के झगड़ते हैं तो और ही उनकी अवस्था को लोड़ा आ जाता है। यहां आकर झगड़ने वालों को
समझ लेना चाहिए, हमारा अप्पा तो बहुत ही भ्रष्ट होता है। ऐसे बच्चों को डर भी नहीं रहता है, नहीं तो बाप कहते हैं बिल्कुल मीठे होकर के चलो, अपने ज्ञान मार्ग में तो बिल्कुल मीठा रहना है, नहीं तो क्या होता है बाहर में कुछ उल्टा सुल्टा करते हैं तो बदनामी बहुत करते हैं। बोलते हैं क्या, ये कहते हैं कि हमको ईश्वर पढ़ाते हैं, हम सच्चखंड का बादशाह बनते हैं, हम यहाँ सच्ची बातें सीखते हैं और हम कोई भी पाप नहीं करते हैं। तो देखो ऐसों के ऊपर कितना बोझा चढ़ता है, बहुत डिस्टर्बिस करते हैं। तो गोया किसके साथ कोई लड़ाई की तो पाप हुआ ना, ऐसे पाप होते रहते हैं तो आबरू गई ना, बाप की आबरू गंवाई तो गाया जाता है ना, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन से ठौर की बात है, वो सन्यासी तो ऐसे ही कहते रहते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे, अब उनके पास कौन सी ठौर है, वो खुद ही अपना घर बार त्याग करके जंगल में चले जाते हैं। यहाँ तो बाप के पास ठौर है, कितनी मालाएं बनती हैं, जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद मिलता है। और ये तो जानते हो डाक तो जाकर के नारायण को नहीं भरेंगे, लक्ष्मी को तो नहीं भर सकेंगे, कितना भौंकते रहते हैं। यहाँ तो सारे गुण गॉड के चाहिए और वे गॉडली गुण आना बहुत मुश्किल है। कितना बाप भी समझाते रहते हैं बच्चे एक दो में प्यार से बातचीत करो, कुछ भी हो जाए तो बाप बैठा है ना, कोई कोई भी किसको भी कुछ दुख हो तो फिर देखो ला यहाँ कहता है ना, दो गवर्नमेंट बोलती है, लौकिक गवर्नमेंट भी बोलती है, ये ईश्वरीय गवर्नमेंट भी बोलती है, डोंट टेक ला इन योर हैंड, ला अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यानी कोई ने तुमको गाली दी तो तुम उनको गाली नहीं दे सकते हो, हाँ तुम रिपोर्ट कर सकते हो, परंतु वो गवर्नमेंट तो इन बातों में जास्ती नहीं जाती है। और ये तो बड़ी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में तो बहुत मनुष्य हैं और यहाँ तो बाबा के बच्चे बहुत थोड़े हैं। उस गवर्नमेंट की तो कितनी संस्थाएं हैं, दुनिया में करोड़ों संस्थाएं होंगी। 13-2-64 की वाणी का छठा पेज। और यहाँ देखो बाबा के बच्चे कितने हैं, बाबा कहते हैं तुम थोड़े हो,
बार बार समझाते रहते हैं कि बहुत मीठे बनो, खुद मीठा न बनने के कारण जो कड़वा बनाते हैं तो सबकी आबरू, बाप की आबरू भी चली जाती है, सारे ब्राह्मण कुल को कलंक लगाए देते हैं। सभी बोलते हैं ईश्वरीय कुलों में क्या ऐसे मनुष्य होते हैं, तो देखो ये बातें होती ही बाप के लिए, क्योंकि बाप तो इतना ऊंचा है ना, ये सदगुरु की निंदा कराने वाले का अक्षर बुद्धि में बैठना चाहिए। भले हरेक की अवस्था अपनी अपनी नंबरवार है, तो भी बच्चों को सावधान रहना है, जबकि बाप आए हैं पढ़ाने के लिए। जब हम कहते हैं कि हम ईश्वर के बच्चे हैं और हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं, और वो कहते हैं बच्चे किसको भी दुख मत दो, कोई भी दुख की बात भी न करो, क्योंकि तुम तो हो सदा सौभाग्यशाली। यहां से तुम्हारी शुरुआत हो जाती है सौभाग्यशाली बनने की। कहां से है? सदा सौभाग्यशाली बनने की शुरुआत यहां से हो जाती है। कहां से है? संगम युग से। तो शुरू में ही अगर उनमें बाधा पड़ती जाएगी तो फिर सदा सौभाग्यशाली बनने में बाधा पड़ती जाएगी। तुम सभी ऐसे बन रहे हो, तुम बच्चों को तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है। अगर तुम सिर्फ शांति से सुबह को बैठ करके बाबा को याद करो और अपने ऊंचे पद को याद करो, सिर्फ रात को उठ करके 3-4 बजे 5 बजे भी सिर्फ बैठ करके याद करो कि बाबा आप कितने अच्छे हो, तुम बाबा कहो, साजन कहो, जो संबंध चाहिए सो कहो, शिव बाबा आप कितने अच्छे हो, हमको स्वर्ग का राजाओं का राजा बनाते हो, हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे और कोई भी ऐसी चलन नहीं करेंगे जो आप रू गवावे, जिसको आसुरी चलन कहा जाता है। आसुरी चलन में तो सब बातें आ जाती। शायद सुबह को जागते नहीं हैं, बैठ करके बाबा से वार्तालाप नहीं करते हैं, नींद आ जाती है और सुबह को उठ भी नहीं सकते हैं, और फिर सर्विस पर भी नहीं जा सकते हैं। इतनी तो बच्चों की हालत खराब हो जाती है। ऐसे बच्चे तो अच्छे नहीं लगते हैं ना। तो लोग बोलते हैं ये तो कोई गॉड के बच्चे बनने लायक नहीं है, ये कैसे गॉड गॉडेस बनेंगे। इनमें अभी तक डॉग के संस्कार बहुत हैं,
ये तो कोई काम की नहीं है। तो बाबा को उनको देखने की भी अंदर में दिल नहीं होती है। किनको? जिनमें डॉग एंड विचेस के संस्कार होते हैं, उनकी चलन से देखने से मालूम तो पड़ जाता है ना कि दिल पर चढ़ने वाले बच्चे कौन कौन हैं। कोई बाप होते हैं, उनको बच्चे होते हैं, तो उनके दिल में होता है कि चलो ये बच्चा बड़ा अच्छा है, ये बहुत भला है, हमारे कहने में चलने वाला है। फिर कोई बच्चे को देखकर कहते हैं ये बच्चा तो कोई काम का नहीं है, ये तो नालायक है। तो बाप भी कहते हैं ये स्वर्ग में भी चलने लायक नहीं है। ऐसे ऐसे बाबा कह देते हैं। तो ये क्या हो गया? अंदर से उनके लिए सुभावना ही नहीं निकलती है, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे होते रहते हैं। तो अंदर में सोचते हैं कि ये क्या राज्य लेंगे। वो मल्ल युद्ध होती है ना, तो वहां भी कहते हैं ये तो देखो घड़ी घड़ी चोट खाते रहते हैं, ये क्या है? अरे जाओ जाओ भारी जाओ, आया है मल्ल युद्ध पर। तो बाप भी ऐसे कहते हैं अरे ये माया को जीत नहीं सकते हैं। जाओ वहां जाकर के मूतपलीती बनो। तुम क्या जानो माया पर जीत पहन करके स्वर्ग का राज्य कैसे लिया जाता है? घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मारती रहती है। तो सोचते हैं ये क्या राज्य लेंगे। बाप तो जरूर ऐसे समझते रहते हैं ना। बाप बच्चों के लिए बेहद का बाप है ना, तो बेहद की प्रॉपर्टी देते हैं। परंतु जब रिपोर्ट्स आती है तो बोलते हैं कि ये क्या है, फिर उनको लिख देंगे जाओ जाओ तुम माया के ऊपर बारी जाओ, तुम यहां क्या चलेंगे। आए हैं लक्ष्मी नारायण को वरने के लिए, तो अपना मुंह तो देखो, चलन एकदम बड़ी फर्स्ट क्लास चाहिए। घड़ी घड़ी भूलें करते रहते हैं। मिस्टेक्स बहुत होती है, और घड़ी घड़ी नाम बदनाम करने से बच्चों को फिर अभ्यास हो जाता है, टेव पड़ जाती है। तेरह दो 64 की वाणी का सातवां पेज। नहीं तो बाप कहते हैं तुम बच्चों जैसा तकदीरवान व सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है। परंतु ऐसे थोड़े ही बाप कहेंगे कि अच्छा प्रजा में जाते हैं ये भी इनके लिए अच्छा है,
बाप ऐसे कहेंगे क्या हैं? क्यों क्यों नहीं कहेंगे? अरे बाप राजयोग सिखाने आए हैं या प्रजा योग सिखाने आए हैं? प्रजा तो भरी ढोती है, राज परिवार और राजा रानी राज्य करते हैं, तो बाप ये नहीं कह सकते कि अच्छा प्रजा में ही आ जाओ। प्रजा में आना तो कॉमन बात हो जाती है। जो भी संदेश लेते हैं वो प्रजा में तो आ ही जावेंगे। मेरे मुख से दो शब्द भी सुने तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे? तो बाप कहेंगे जब बच्चे बने हो, सगे बच्चे बने हो, तो अपने सगेपन की चलन देखनी होती है। ऐसी चलन देख करके बाप खुश भी होवे, क्योंकि ऐसे मत समझो कि बाप सबको एक जैसा प्यार कर सकते हैं। हाँ, बाहर से भले करें पर अंदर में उनको मालूम है कि ये हमारा नाम बदनाम करने वाला है, इनकी चलन बहुत गंदी है। इसलिए बाप कहते हैं मेरे अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की युक्ति बहुत है, ये क्या है? उनकी छी छी चलन दिल में तो आवेगी ना, ये तो ला कहता है कि ईश्वर के भी दिल में आवेगा, क्योंकि बेहद का बाप है। कोई भी किसकी चलन ऐसी देखेंगे तो कहेंगे इसमें क्या रखा हुआ है, हूबहू जैसे अज्ञान काल के बच्चे, ये तो बेहद का बाप है। ये नई बात तो नहीं है ना, ये तो कल्प कल्प बाप कहते हैं, दादा भी कहते हैं, मम्मा भी कहती है, और तुम सयाने बच्चे भी कहते हो कि हम लोगों ने पार्ट बजाया है, पुरुषार्थ किया है। तो अपनी अपनी चलन को अपन को हरेक बच्चों को देखना है। मम्मा तुम बच्चों को सिर्फ यही कहती है, ऐसे बहुत ही बच्चे हैं जो वहां भी आश्चर्यवत पश्यंती सुनंती कथंती टेटर बटन बनंती, बहुत भौंकंती होते रहते हैं, क्योंकि ये मंजिल है ना। माया बहुत बच्चों को थप्पड़ मारती है। जो योग में नहीं रहते हैं उनको तो थप्पड़ लगाती ही रहती है। अर्थात जो रात को बिल्कुल नहीं जागते, बाबा तो कहते हैं रात को जागते रहो, ऐसे नहीं कि बाबा को कोई धंधा नहीं है, बाबा को तो सबसे जास्ती ख्याल आता थे, तो भी रात को घंटा डेढ़ घंटा, अरे कभी तो सारी रात भी नींद नहीं आती है,
ख्यालात भी रहते हैं ना, ऐसे मत समझो कि रात में नींद नहीं आती है। इस बाबा को नींद नहीं आती है तो सिर्फ बाप को ही याद करते हैं। अरे इतना ही याद करते हैं, फिर और ही माया के सभी ख्यालात आते रहते हैं। ये करना है, वो करना है, ये कैसे हो, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को कैसे पकड़े, बच्चियों को क्या प्रबंध करके देवे, क्या इनकी एसोसिएशन बनावे, ये कैसे बिचारी दुख से छूटे, ये फलानी बांधेली बिचारियां फंसी हुई हैं। सारी रात यही चिंतन चलता रहता है, क्योंकि बाप को नहीं रहेगा तो किसको रहेगा। तो इसलिए वो बच्चों को राय भी देते रहते हैं, परंतु बच्चे थोड़े हैं और अक्सर अनपढ़े हैं। जो पढ़े होते हैं वो खरे होते हैं, तो वो बच्चे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स तक भी पहुंच सकते हैं। कोई न कोई कायदा कानून यहां वहां पकड़ लेते हैं, नहीं तो तुम बच्चियों को मारने का कोई हक नहीं है। देखो जब बच्चियों को मारते हैं, बाबा सुनते हैं तो बाबा को बहुत दुख होता है, तो क्यों इनको मार खानी चाहिए। ये क्या ऐसी गवर्नमेंट है कि अगर कोई कन्या और माता जावे रिपोर्ट करे तो वो गवर्नमेंट के लोग इनको मदद ही नहीं करते। परंतु बहुत हैं जो तो रिपोर्ट ही नहीं करती है। रिपोर्ट करती है और बोलती है पता नहीं कुछ हो जावे, पति को दुख हो जावे। अरे यहां तो बहुत बहादुर चाहिए, महावीर नहीं चाहिए। जैसे बलि चढ़ाई जाती है ना, फट से खलास, ये भी ऐसे ही है। बस बाप का बनना है तो मस्त बन जाना चाहिए, पीछे तो कोई परवाह न रहे। भले साहूकार पति हो, बहुत सुहेना पति हो, सुहेने अच्छे अच्छे बच्चे हो, तो भी कोई परवाह न रहे। यहां तो कुछ का सुहेना पति है और बहुत प्यार है तो वो छोड़ भी नहीं सकती है, खुद भी नहीं छोड़ सकती है, बस चटक पड़ती है, क्योंकि हैं तो वो बरोबर बंदर और बंदरिया। ऐसे बहुत एक दो को चटके हुए पड़े हैं एकदम। देखो बाप आया है आकर के छुड़ाते हैं,
जैसे पति को स्त्री से छुड़ाएंगे, स्त्री को पति से छुड़ाएंगे, बच्चियों को बाप से छुड़ाएंगे, कहेंगे चलो जाओ, कमेटियां बनाओ, कोई न कोई हालात में आकर बनो, तो हम तुमको बंदर से स्वर्ग का मालिक बना देंगे। तो देखो कितना छुड़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु बहुत हैं जो छूटना ही नहीं चाहते हैं। नहीं तो छूटने के लिए तो कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। छूटने के लिए कोई देरी थोड़ी लगती है। देखो शुरुआत में भी छूटे हैं तो झट से छूट गया ना एकदम, उस समय में तो झट आ गए। ये भी ड्रामा का राज था जो बहुत छूट गई, ढेर की ढेर छूट गई, फिर बाद में कईयों को माया खा गई। ये माया बड़ी प्रबल है ना बच्चे, इसलिए जितना जितना जो जो बाप से बात करेगा, सुबह को उठ करके सिर्फ आधा घंटा, पौना घंटा, पाव घंटा भी, घड़ी दो घड़ी, आधी घड़ी, तो बाप की उनको मदद जरूर मिलेगी। दिन में तो गोरख धंधा लगा रहता है और रात को तो सन्नाटा छा जाता है, सब सो जाते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त यानी अमृत बेला, ये ईश्वर की बेला है। ब्रह्म ईश्वर को कहा जाता है ना ब्रह्म मुहूर्त, तो ये ईश्वरीय बेला है। इस समय में सबको ईश्वर को याद करना है। अच्छा ओम शांति। जगदम्बा के तीन जन्म स्त्री के क्यों? तीन जन्म, हाँ, जबकि मुरली में बोला है कि दो नर होंगे, दो जन्म नर और दो दो नारी के होंगे। ऐसे नहीं बोला, मुरली में बोला है ज्यादा से ज्यादा कोई आत्मा के लगातार दो जन्म या तो स्त्री के हो सकते हैं या तो लगातार दो जन्म पुरुष के हो सकते हैं। क्या इससे ज्यादा नहीं हो सकते? ये आपने कौन सी मुरली में पढ़ लिया? कोई मुरली है जिसमें आया हो जगदम्बा के तीन जन्म है? एक जन्म आदि का मान लिया, किसको? वो तो जालंधर की कोई माता के बारे में बताया, जगदम्बा के बारे में बताया क्या? वो तो नहीं बताया, ये तो आपने किसी से सुन लिया, सुन करके मान लिया। अब पक्का कैसे कर लिया कि वो जगदम्बा ही थी? और रुको, जगदम्बा का जो पार्ट है वो किसी से दबके रहने वाला है, है? वो किसी से दबके रहने वाला नहीं है। दुनिया के जितने भी पुरुष हैं सब क्या है? सब दुर्योधन दुशासन है।
तो सबको पिटाई करने वाली है या किसी को छोड़ने वाली है? हैं? वो अम्मा है ना, क्या है? जगदम्बा है। लक्ष्मी से भी ऊंची गद्दी है या नीची गद्दी है? ऊंची गद्दी है। तो जिसकी ऊंची गद्दी है वो पुरुषपने के अहंकार में रहेगी, अधिकारी बनने के अहंकार में रहेगी या अधीन बन के रहेगी? अधिकारी बन करके रहेगी। उसको कोई कुल्हाड़ी से मार सकता है? और है माँ को कम याद करो, माँ माँ में कम याद करो का मतलब है माम माने मुझको, माम माने मुझको, एकम माने एक को याद करो, माम एकम याद करो, माम एकम याद करो। इसका अर्थ आपने लगा दिया माम को याद करो, एक माँ को याद करो। ऐसे नहीं है, माम एकम ये संस्कृत का अल्फाज है। संस्कृत में माम एकम को अलग अलग करेंगे तो माम एकम दो शब्द बनते हैं। बाबा माता जी पूछ रहे हैं कि माम कम याद करो, माँ को कम याद करो, माँ को कम याद करो। अच्छा, माम कम याद करो, माँ को कम याद करो। बाबा कहते हैं मुझे एक को याद करो, कम और ज्यादा किसी को करो ही नहीं, सिर्फ मुझे याद करो। हाँ, पति से लड़कर है, पति से लड़कर क्लास में आना अच्छा या पति की बात मानकर घर में रहना अच्छा? आपको पति मिला है या पतियों का पति मिला है? फिर किसकी बात मानेंगे? मुरली में तो बोला है लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। क्या? जैसे पुष्पा माता है दिल्ली की, पति बांधेली बनाना चाहता, सत्संग में नहीं जाने देना चाहता, घर में बांध कर रखना चाहता, पुष्पा माता नहीं मानती। जब वो जबरदस्ती करने पर आया तो कोर्ट में चढ़ गई, कोर्ट में चढ़ करके धार्मिक स्वतंत्रता का केस कर दिया, ये मेरे को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देता, मुझको सत्संग में जाने नहीं देता, वहां रहने नहीं देता, ये मेरे ऊपर लांछन लगाता है, ये लिख करके देवे कि हमको इस तरह परेशान नहीं करेगा भविष्य में। और जज ने उससे लिखवा लिया, उसके बाद फैसला हो गया। शिव बाबा की शेरनी शक्ति है माताएं कन्याएं या लिदड़िया शक्ति है, क्या है? है शिव बाबा की तो शेर नहीं सकती है, ये कोई नहीं कहेगा मैं लिदड़िया सकती हूं। बाबा जैसे ये नग होते हैं, नीलम है, उतराज है, फलाना धमकाना जो भी लगाते हैं, इनको पहनने से क्या मनुष्य आत्मा को फायदा होता है? कुछ नहीं होता है इनको पहनने से, इनको पहनने से कोई मतलब नहीं। क्या? मुटले खाने के कारोबार है। हाँ, उसका अर्थ है बेहद के नग हैं, नौ प्रकार के नग हैं, हीरा, पन्ना, मोती, माणिक, वैडूर्य,
नौ प्रकार की श्रेष्ठ आत्माएं हैं दुनिया में, जो नौ धर्मों के हीरो हैं, उन नौ के पहनावे में अगर आएंगे, उन नौ के संरक्षण में अगर आवेंगे, तो वो ही नौ प्रकार के नग धारण करने की बात है। क्या? हीरे की अंगूठी पहनी, जड़ हीरे की अंगूठी पहनी या चैतन्य हीरे की अंगूठी पहनी? नारायण ने कौन सी अंगूठी पहनी? अंगूठी कौन सी पहनी है? अरे कौन सी अंगूठी पहनी है? अरे ज्ञान की कौन सी? चैतन्य माना बोलती चालती। कौन सी बोलती चालती अंगूठी पहनी है? लक्ष्मी पहनी। तो लक्ष्मी को अपने जीवन में जो धारण करेगा, उसका जन्म जन्मांतर सुहाला बनेगा या खराब बनेगा? सुहाला बनेगा। ये बेहद की बातें भक्ति मार्ग में सब हद में उठा ली। और जगदम्बाई चौथी सिखाई, जगदम्बाई तीन सौ जगदम्बा की छोटी मूर्ति क्यों दिखाई? लक्ष्मी नारायण के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, और जगदम्बा की छोटी मूर्ति बनाते हैं, छोटा मंदिर बनाते हैं। किसी कॉलेज या स्कूल के दरवाजे पर ऊपर ताक में छोटा सा मंदिर बना के छोटी सी जगदम्बा की मूर्ति रख देते हैं। क्या मतलब हुआ? छोटी मूर्ति का क्या मतलब हुआ? बड़ी मूर्ति का क्या मतलब हुआ? छोटा लिंग बनाते हैं, कहीं कहीं बड़ा लिंग बनाते हैं। पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाए दिए, छत इतनी ऊंचे बनाए दिए। क्या मतलब हुआ? महात्मा बुद्ध की बड़ी लंबी चौड़ी मूर्ति बनाते हैं, हनुमान की, शंकर की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, गणेश की भी बड़ी मूर्ति बनाते हैं। उन्होंने बड़ा पार्ट बजाया है, बुद्धिमान का पार्ट बजाया है। बड़ी बुद्धि थी तो बड़ी बुद्धि को कैसे दिखावे? बड़े चित्र बनाए दिए। ऐसे ही जगदम्बा ने श्रीमत के अनुकूल बड़ा पार्ट नहीं बजाया, कैसा पार्ट बजाया? छोटी बुद्धि का छोटा पार्ट बजाई लिया। इसलिए जगदम्बा की छोटी मूर्ति बनाते हैं, सर्विस नहीं की श्रीमत के अनुकूल, श्रीमत के बरखिलाफ सेवा की। कैसी सेवा की? श्रीमत के बरखिलाफ छोटी सेवा की। इसलिए लक्ष्मी नारायण की तरह बड़े बड़े भव्य मंदिर नहीं बनाते हैं, जगदम्बा की छोटी मूर्ति और छोटा मंदिर बनाते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, जगदम्बा के बड़े बड़े मेले लगते हैं। लक्ष्मी के बड़े बड़े मेले नहीं लगते। क्या कारण है? हैं? जगदम्बा ने जितना मिलन मेला जगत पिता के साथ मनाया, इतना बड़ा, इतना ज्यादा मिलन मेला और किसी ने नहीं मनाया। इसलिए जगदम्बा के बड़े बड़े मेले मनाते हैं। जगदम्बा से सब मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। क्या? जगदम्बा सर्व मनोकामनाओं की प्राप्ति करती है, कराती है।
और लक्ष्मी, लक्ष्मी सिर्फ धन की मनोकामना पूरी करती है। तो कौन बड़ी कौन कौन छोटी? जगदम्बा बड़ी हो गई और लक्ष्मी छोटी हो गई, क्योंकि लक्ष्मी ने भगवान का दिया हुआ तुमको दिया है, अपना मनमानी चीज नहीं दी। लक्ष्मी ने क्या दिया तुमको? जो भगवान ने दिया वो भगवान की दी हुई ज्यों की त्यों चीज सीमा तुमको दे दी, ज्ञान तुमको दे दिया, तो वो छोटी हो गई। और जगदम्बा ने अपनी अकल से जितना आया उतना सारी मनोकामनाएं तुम्हारी पूरी कर दी। वो दुनियावी मनोकामनाएं पूरी करना जगदम्बा का काम है। क्या ज्ञान रावण में भी ज्यादा था? धारणा थी है? रावण विभिचारी था या एकाचारी था? विभिचारी था तो ज्ञान था है? नहीं था है? ज्ञान था लेकिन धारणा नहीं थी। ऐसे ही जो लंबी जीव वाले दिखाए जाते हैं ना, महाकाली हो कोई भी हो, कहते हैं इसकी जीव बड़ी लंबी है। क्या मतलब हुआ? मतलब है कि बोलने में बहुत होशियार है। क्या? बोलने में ज्यादा होशियार है, धारणा में इतनी होशियार नहीं है। जो ज्ञान को धारण करे वही ज्ञानी है। ज्ञान अगर धारणा में नहीं है बोलने में है तो उसको ज्ञानी नहीं कहा जाता। आज क्या होता है, है? पंडित सोई जोई गाल बजावा, जो बहुत बोल सकता है उसकी वाणी का कोई काट नहीं कर सकता, उसको समझते हैं महाज्ञानी है महापंडित है। लेकिन ऐसा होता है क्या? है ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। यही अंतर है कि जगदम्बा दुनियावी सभी मानव मनोकामनाओं की पूर्ति करती है और लक्ष्मी, लक्ष्मी सिर्फ ज्ञान धन की पूर्ति करती है, क्योंकि ज्ञान ही भगवान है। क्या? ज्ञान कहते हैं जानकारी को। जानकारी सत्य की या असत्य की? जो सच्चाई है वही भगवान है, गॉड इज ट्रूथ। किसी को भरपूर 100% ज्ञान मिल गया माने भगवान मिल गया। भगवान परमधाम से आता है तो क्या लाता है? ज्ञान ही लाता है। लड्डू पेड़ा लाता है? सोना चांदी लाता है? नहीं, ज्ञान है, वो ज्ञान ही भगवान है। तो लक्ष्मी जो देती है वो भगवान का दिया हुआ देती है। आपको दुनिया वालों का दिया हुआ चाहिए या भगवान का दिया हुआ चाहिए? है? अभी तो कहते थे लक्ष्मी छोटी है। और तो भक्ति मार्ग में शिव को अलग और शंकर को अलग क्यों कह दिया? अलग कह दिया कि एक कह दिया? शंकर को और शिव को एक भक्ति मार्ग में कह दिया। इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? है? कब? कब पड़ता है? जब शंकर वाली आत्मा जो याद में बैठी हुई दिखाई जाती है वो निराकारी स्टेज धारण कर लेती है,
शिव समान बन जाती है। शिव आता ही इसलिए है, मैं आता हूं बच्चों को आप समान बनाने के लिए। तो शिव है निराकार, तो निराकारी स्टेज में कोई तो अब्बल नंबर जाता होगा। कौन जाता है? शंकर जाता है, इसलिए शिव को शंकर के साथ मिलाते हैं। कोई देवता नहीं है जिसको शिव के साथ मिलाते हो, कोई है? कोई धर्म पिता नहीं है जिसको शिव के साथ मिलाते हो। कौन है? एक ही नाम है, शंकर, जिसको शिव के साथ मिला के एक आकार कर दिया। आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, आत्मा परमात्मा एक हो गए। तो दुनिया वालों ने क्या कह दिया? आत्मा सु परमात्मा। अरे सारे आत्मा बनते हैं, दुनिया की जो 500 करोड़ आत्माएं हैं बहुत सब 100% आत्मा बन जाती हैं। बनती है? नहीं बनती। जब आत्मा ही नहीं बनती तो आत्मा सु परमात्मा कैसे होना चाहिए? नहीं, जो आत्मा बनता है 100% वही आत्मा सो परमात्मा कहा जाता है। उसी के लिए गायन है, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। बाबा आज की मुरली माया तो ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनते हो। हाँ है, मैं ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ लेकिन विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। ब्रह्मांड माने जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, कहाँ रहती हैं? ब्रह्मांड में रहती है। तो तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। किससे तुम कहा? तुम किससे कहा? सम्मुख बैठे हैं सब ब्रह्मांड के मालिक हैं। जो मालिक होते हैं वो ऊपर बैठते हैं कि नीचे बैठते हैं? तो सब ऊपर हैं, एक है ऊपर। तो तुम उसी से कहा कि तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। हाँ, शंकर के लिए बोला तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। दोनों के मालिक, विश्व के भी मालिक और ब्रह्मांड के। ओम शांति। बस 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 बस।